देहरादून के विकास नगर में प्रतिबंधित पेड़ों पर लगातार माफियाओं की आरिया चलती जा रही है। ऐसा ही एक मामला शीतला नदी के किनारे ग्राम पंचायत की भूमि में खड़े प्रतिबंधित प्रजाति खेर के पेड़ों के अवैध कटान के सामने आया है, जहां रोजाना रात के अंधेरे में खैर के प्रतिबंधित पेड़ों को काट कर गुम किया जा रहा है। और इस बात की तस्दीक पेड़ के ये कटे हुए खूंटे खुद बयां कर रहे हैं। वही जब इस संबंध में सहसपुर रेंज के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत आएगी तो मामले को देखा जाएगा। इसके तहत ही जब यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तब DFO कालसी ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले पर वन विभाग कितनी जल्द कुछ ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई के साथ साथ प्रतिबंधित प्रजाति के बचे हुए पेड़ों को बचाने का काम करता है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये जो चौड़पुर की घटना है, इसमें हमने अपने SDO को भिजवा के दिखवाया था तो उस समय हमें दो पतले पतले खूंट मिले थे, वो भी काफी एक महीने दो महीने पुराने थे। उसमें ऑलरेडी वहाँ के प्रधान जी ने FIR दर्ज करा रखी है। जो आप दूसरी घटना बता रहे हैं कि उसमें कुछ और भी खूंट दिख रहे हैं पेड़ों के, तो उसको मैं चौड़पुर के रेंज अफसर से दिखवाता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो पड़ोस का डिवीजन है उनको भी साथ लेते हैं, अगर हमारे डिवीजन में है तो हम कार्रवाई करेंगे और अगर पड़ोस के डिवीजन में तो उनसे कार्रवाई करने के लिए सूचित करेंगे।